सो हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर अनदर गेम प्ले वीडियो, जो कि यार होने वाले आज से एक ब्रांड न्यू सीरीज, जिस वाले सीरीज का नाम है माइनक्राफ्ट। और हाँ गाइस, फाइनली आज से मैं बनाने वाला हूँ इसका सर्वाइवल सीरीज, क्योंकि आप में से काफी सारे बंदे ने कमेंट करा कि यार आप माइनक्राफ्ट की जर्नी को स्टार्ट करो। तो लो यार गाइस, फाइनली आज से मैं बनाने वाला हूँ इसका सर्वाइवल सीरीज। और यार मैं सच्ची बताऊँ तो मुझे इस गेम के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। हाँ, कुछ तो नॉलेज है, जो कि पहले उतरते के साथ हमारे को सबसे पहले कुछ पेड़ काटना पड़ेगा ताकि उससे मैं कुछ टूल्स बना सकूँ। और हाँ, टूल्स का बेनिफिट ये कि हम ज़ॉम्बी से बच सकते हैं। और हाँ, खाना का भी इंतजाम कर सकते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। खैर हाँ, अगर मुझे दूसरा चीज पता है तो भाई मुझे सबसे पहले अपने लिए घर बनाना पड़ेगा ताकि मैं रात में सर्वाइव कर सकूँ ज़ॉम्बी से। एंड अगर मैं तीसरी चीज की बात करूँ तो मुझे फार्म बनाना पड़ेगा ताकि मैं अपना पेट का भाई साधन कर सकूँ। अगर मैंने फार्म नहीं बनाया तो मैं मर सकता हूँ। सो हाँ, तीसरा चीज जो है कि मुझे फार्म बनाना पड़ेगा, बस मुझे इतना ही नॉलेज है। खैर गाइस, यहाँ पे ऐसे भी काफी सारे बंदे हैं जो कि उन्हें कुछ भी नहीं पता माइनक्राफ्ट के बारे में। तो हाँ यार गाइस, फाइनली इस वाले जर्नी में आप मेरा साथ दो और मैं आपको गारंटी देता हूँ इस सर्वाइवल सीरीज के एंड आते आते हाँ हम प्रो तो नहीं कहला जाएंगे, लेकिन माइनक्राफ्ट का हर एक नॉलेज हमारे पास आ जाएगा। सो भाई, इस वाले जर्नी में आप मेरा साथ दो। और हाँ गाइस, यहाँ पे ऐसे भी काफी सारे बंदे हैं जिन्हें माइनक्राफ्ट के बारे में पूरा कुछ पता है। सो यार, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको इस गेम में दिखे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में बता देना, फाइनली मैं उसे सुधारने का कोशिश करूँगा, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। खैर, बढ़ते वीडियो में से पहले हल्की सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे अगर नए हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर देना, क्योंकि हाँ हम 400 सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। हाँ, जल्दी से सब्सक्राइब करो और हाँ उसे 400 डन करवा दो। खैर, बढ़ते वीडियो में, लेट्स बिगिन। ऑलराइट गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूं अपने गेम की लॉबी में। वैसे ही गेम की लॉबी है या फिर क्या मुझे नहीं पता, खैर लॉबी ही कह सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से मेरा मैच स्टार्ट होने वाला। सो चलो, सबसे पहले मैं अपने वर्ल्ड में जाता हूँ और मुझे नहीं पता कर मुझे कैसा वर्ल्ड मिलने वाला है। खैर, यहाँ पे वर्ल्ड में जाने से पहले सबसे पहले मुझे यहाँ पे अपना वर्ल्ड का नाम टाइप करना पड़ेगा। और वैसे मैंने वर्ल्ड का नाम तो सोच नहीं रखा, तो रुको यार, सोच रही तो सबसे पहले आखिरकार मैं वर्ल्ड का नाम रखू तो रखू क्या। अरे भाई रुक जा, याद आ जा, क्या रखूं, मैं अपना सेटअप बॉक्स का ही नाम रख देता हूँ। और क्या भाई, सीधा सीधे मुझे वही अभी दिमाग में आ रहा है, तो चलो मैं अपना सेटअप बॉक्स का नाम ही रख देता हूँ। चलो, मैंने यहाँ पे वर्ल्ड जनरेट होने वाला, तो चलो सबसे पहले मैं अपना वर्ल्ड का नाम रखता हूँ। सेटअप बॉक्स का नाम था क्या था भाई, हाँ सन डायरेक्ट। सो यार, फाइनली मेरा वर्ल्ड का नाम यहाँ पे टाइप हो चुका है। और भाई चलो, मैं अपना डिफिकल्टी मोड नॉर्मल रखना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे अभी हार्ड में नहीं आता। खैर, अगर जॉम्बी वगैरह हार्ड आ गया तो भैया वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो चलो मैं डिफिकल्टी मॉडल हार्ड रखता हूँ। और भी यहाँ कोई नीचे सेट वगैरह नहीं करना भाई, चलो यहाँ से कुछ भी नहीं, चीट सॉल्व नहीं करना है मुझे। चलो यार, फाइनली मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ। और मैंने कोई सीट वगैरह नहीं लगवा रखा है, मैंने देखा काफी सारे बंदे का, बट मैंने अप्लाई नहीं करा। सो आप देख लिया आखिरकार मेरा सीट भी कैसा है। एंड चलो यार गाइस, फाइनली मेरा यहाँ से वर्ल्ड जनरेट होने वाला है और मैं देखता हूँ आखिरकार वर्ल्ड मुझे कैसा मिलता है। ओफो फो फो, फाइनली मेरा यहाँ पे वर्ल्ड जनरेट हो चुका है। और वैसे अरे भाई रुक जा, चलो मुझे देखना है यहाँ पे आसपास कोई जानवर वगैरह है या फिर नहीं, कोई विलेज वगैरह है या फिर मुझे वही सब पता नहीं चल रहा है, लेकिन चलो मैं फिर भी ट्राई करके देखता हूँ, शायद से मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए। अरे भाई 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 भाई, ये क्या हो गया। ओहो, मैंने अपना आधा हेल्थ वैसे ही खा लिया, तो चलो मुझे सबसे पहले अपने खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। वैसे भाई देखो, मैंने कितना ऊपर से जंप मारा। खैर, यहाँ पे आने का एक बेनिफिट हो चुका था, जो कि यहाँ पे मुझे कोल मिल रहा है, बट हाँ यहाँ पे कोल जो है ना भाई काफी ज्यादा ऊपर है, तो मुझे लग रहा है मैं यहाँ से अभी कोल नहीं ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज अच्छी लग रही है भाई, देख लो यार, पौधा काफी खतरनाक है। अगर मैं घर बनाऊंगा ना तो सही बता रहा हूँ, ये सब पौधों को मैं लगाने वाला हूँ। वैसे ये क्या, अरे भाई साहब यहाँ पे केव बना हुआ, चलो मैं एक बार जाके देखता हूँ शायद से कुछ मिल जाए। और हाँ भैया, अगर मुझे जॉम्बी वगैरह मिल गया ना तो सही बता रहा हूँ, बड़े गंदा मैं पिलूंगा। तो चलो यहाँ से मैं निकलता हूँ, अभी मैं सारा चीज सबसे पहले इंतजाम कर लूंगा तो ही फिर मैं इधर आने वाला हूँ। वैसे मुझे दिक्कत नहीं, अगर मैं मर भी जाऊँ ना तो फिर मुझे उतना दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ देखो मैं यहाँ पे सामने स्पॉन हुआ तो मुझे वहाँ पे दिक्कत नहीं। खैर चलो, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ पेड़ काटता हूँ ताकि मैं टूल्स बना सकूँ। और भाई मेरा हेल्थ भी काफी गंदे तरीके से कम हो रहा। और देखो यार, देखो मुझे जिसका था इंतजार वो घड़ी आ चुका है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले मुझे बेड बनाना पड़ेगा ताकि मैं रात जल्दी से बिता सकूँ। और पेड़ बनाने के लिए सबसे पहले ये सब जो रहते हैं ना भाई, छोटे प्रजाति बकरा या फिर जो कह सकते हो, इनका बहुत ज्यादा जरूरत है। चलो सबसे पहले क्या मैं टूल्स बना लो या फिर इन्हें मार लेता हूँ। चलो यार, आज मैं हाथ से तेरा हत्या करने वाला हूँ, इसे मेरा दो बेनिफिट होने वाला है। अगर मैं इसे मारूंगा सबसे पहले मुझे ये वूल देगा और दूसरी बात ये मीट भी देगा। मुझे लग रहा है शुरू में कच्चा खाना पड़ेगा। अबे कहाँ जा रहा है, अबे यार तेरा भाई चल गया पर लोग, तू कहाँ पे यार बेटे, तू भी मर जा। अरे यार ये क्या हो रहा है, इसे मैं मार रहा हूँ ठीक है। तो देखो जैसे ही मरने वाला रहेगा मेरे गेम अचानक लैग करने लगता है। और हाँ ये कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन चलो यार, चलो भाई साहब, एक और कहाँ था, यहीं पे तो था, मैंने यहाँ पे तीन देखा है। लेकिन चलो मैं एक बार ऊपर जाके देखता हूँ शायद से इधर मिल जाए। ओ भाई मिल जाए, कहाँ पे गया यार, अरे तेरा भाई चला गया वहाँ पे, तू भी जाए यार, तू अकेला करके रह के क्या करेगा। वैसे इधर काफी सारे लकड़े भी है, तो चलो मैं इसे भी इकट्ठा करता हूँ। और मुझे यहाँ पे लग रहा है ना, यहाँ पे सुअर काफी ज्यादा होंगे, तो भाई यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली। चलो यहाँ पे क्या, अरे यार ये फूल को मैं सुअर समझ रहा हूँ, देख रहे यार मेरा क्या ही पोपड़ हो जा रहा है। लेकिन यार रुको, यहाँ पे लकड़ी काफी ज्यादा छोटे हैं, यानी कि हाँ यार मैं क्या बोल रहा हूँ, पेड़ काफी ज्यादा छोटे हैं। ओहो रुको, मैं यहाँ पे इसे भी तोड़ता हूँ। और भाई मुझे इस गेम के बारे में उतना नॉलेज तो नहीं है। खैर बताना अभी तक मैंने क्या क्या मिस्टेक करे इस वाले गेम में, मुझे हालांकि
हालांकि जहां तक लग रहा है मैंने अभी तक कुछ भी मिस्टेक नहीं करा ना, लेकिन चलो यार नहीं करा अच्छी बात है, अगर मैं खुद बोलते बोलते नजर लगा दिया ना तो भैया दिक्कत हो जाएगी। लेकिन देखो यहाँ पे मुझे ज्यादा तो नहीं लेकर आना, ज्यादा प्लान चाहिए ठीक है, इससे मैं प्लान में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि हाँ मैंने यहाँ पे हल्का फुल्का ट्यूटोरियल देख रखा है और मैंने काफी दिनों पहले इस गेम को खेला था, हल्का फुल्का मैं भूल भी चुका था, लेकिन चलो मुझे भी यहाँ पे धीरे धीरे सब याद आ रहा है। चलो मैं इसे भी तोड़ता हूँ और मुझे जहां तक लगता है ना दिन 10 मिनट करा था, रात भी 10 मिनट करा था और शायद से 10 मिनट यहाँ पे होने जा रहे, तो मुझे यहाँ पे जल्दी जल्दी सारा काम अपना कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि यार बाद में दिक्कत ना हो सके। अगर रात में जॉम्बे वगैरह आ गया ना तो मैं सर्वाइव भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास कुछ टूल्स वगैरह नहीं है। चलो यार सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना एन्चेंटमेंट टेबल खोलता हूँ और हाँ गाइस जिसे क्या कहते हैं ओक लॉक, तो चलो इसे मैं सारे को प्लैंक में कन्वर्ट करता हूँ। और भाई यहाँ पे कितने सारे कन्वर्ट होने वाले, ओ भाई काफी ज्यादा हो चुका है। खैर मैं इसे हल्का फुल्का यहाँ पे सोच रहा हूँ ना चलो स्टिक में भी कन्वर्ट कर ही दूं ताकि यहाँ से कुछ टूल्स वगैरह बना सकूं। स्टिक में ज्यादा नहीं, चलो कितना हो चुका है 12 पीस साइज से मेरे को लग रहा है इनफ है मेरे लिए। खैर चलो अब आ रही है एन्चेंटमेंट टेबल बनाने की, जो कि सबसे पहले बनाने की आखिर रेसिपी क्या थी, वैसे रेसिपी क्या थी भाई एन्चेंटेड की, रुक जाओ तो क्राफ्टिंग टेबल कहते हैं ना, मैं इसे एन्चेंटेड कह दे रहा हूँ और मुझे पता नहीं कर मैं इसे क्यों कह रहा हूँ। खैर बेटा तू भी आप लग जा। अब यार मुझे इसमें दिक्कत हो रही है पता नहीं क्योंकि यार मैं इसे काफी दिनों बाद खेल रहा हूँ, वैसे पहली बार मैं कीबोर्ड से खेल रहा हूँ तो भैया मुझे दिक्कत तो होगी ये तो ऑब्वियस सी बात है। खैर चलो टाइम आते आते सब चीज सुधर जाएगा। वैसे चलो यहाँ से मुझे सबसे पहले कुछ कुछ टूल्स बनाना है, जो कि रुको टूल्स में अगर मैं चलता हूँ सबसे पहले मैं एक सॉर्ड बना लेता हूँ, वो भी वुडन का, स्टोन का भी मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी स्टोन जरा सा भी नहीं है। तो चलो अब आ रही है सबसे पहले मैं ये वाली एक्स बना लेता हूँ ताकि पेड़ वगैरह काटने में हल्की फुल्की आसानी हो सके। वैसे पिकेक्स कहाँ पे भाई, हाँ ये रहे पिकेक्स, जो कि मैं इसे भी क्राफ्ट कर लेता हूँ और मुझे क्राफ्टिंग अभी उतना बेहतर तरीके से नहीं पता जिसके कारण भाई यार मैं यहाँ पे हेल्प ले रहा हूँ ठीक है ना। सो आप मुझे बोट मत कह देना, हालांकि बोट ही कह सकते हो क्योंकि मैं इस वाले गेम में पूरा नूब हूँ ठीक है। चलो यहाँ से मेरा सारा काम हो चुका। खैर ज्यादा चीज यहाँ पे बकबक ना करते हुए मैं सीधे सीधे इसे तोड़ता हूँ अपने क्राफ्टिंग टेबल को। चलो यार इसी के साथ यहाँ पे मैंने क्राफ्टिंग टेबल भी बना लिया और सिर्फ मुझे बेड का इंतजाम करना ताकि रात होते होते मैं सो सकूँ और शायद से मेरा स्पॉन एरिया इधर ही सामने तो मुझे उतना दिक्कत नहीं होने वाला है। वैसे रुको तो मुझे एक और शिप की जरूरत है और मुझे वो मिल नहीं रहा है। ओहो गाइस यहाँ पे मैं 5 मिनट से ज्यादा एक्सप्लोर कर चुका हूँ और देखो यहाँ पे दो दो प्रजाति मिले वो भी दूसरे दूसरे। खैर चलो मुझे इसका जरूरत है जो कि मैं इसे मारता हूँ और भाई तुझे भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। अरे बेटे टूल्स कब काम किया है, चलो इसे मारो। और मुझे पता तो दो शॉट में यहाँ से पट का खत्म होने वाला है जो कि तू खत्म भी हो चुका है और तुझे भी मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ यार। चलो रुको तो सही, तू आखिरकार गया गया कहाँ, अरे बेटे तू कहाँ जाओगे, रुको। चलो यार तो गाइस इसी के साथ मैंने यहाँ पे बेड का इंतजाम हो चुका, तो चलो मैं सबसे पहले दूसरे बायो में जाता हूँ क्योंकि यार मुझे इस वाले जो ग्रास है ना भाई मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं और मुझे पता नहीं आखिरकार मुझे क्यों नहीं पसंद है। चलो उधर अच्छा वाला एरिया था जो कि शायद उस वाले एरिया में, तो चलो मैं उधर निकलता हूँ और मैं अपना बेस उधर ही बनाने वाला हूँ। और देखो यार देखो 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 मेरे यहाँ पे पेड़ कहते हैं मुझे कौन, तो साले ये सब अभी मिल रहा, रुको अभी मैं तुझे कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, मैं सभी को मारूंगा आ जाओ बेटा आ जाओ। जब मुझे चाहिए ना तो तू मुझे मिल नहीं रहा था, ख्याल अभी मुझे नहीं चाहिए तो मुझे बार बार मेरे नजर के सामने क्यों आ रहा है बेटा, जो बताओ तो मैं तुझे नहीं बचने दूंगा। चलो यहाँ से मेरा आधा काम कंप्लीट हो चुका, तो चलो मैं सबसे पहले एक बार अच्छा प्लेस ढूंढता हूँ ताकि मैं अपना सारा चीज वहाँ पे बना के रख सकूँ। खैर हाँ यार मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सप्लोर कर लिया, वैसे मुझे इधर ही बेस्ट लोकेशन लग रहा, तो चलो मैं सबसे पहले इधर अपना बेड बिछाता हूँ ताकि बोरिया बिस्तर मेरा इधर सेट हो सके। तो जो मैं अभी इधर ही बना दे रहा हूँ ताकि भैया बाद में दिक्कत ना हो सके। चलो मैं सबसे पहले अपना बेड यहाँ पे लगाता हूँ। वैसे भाई मैंने यहाँ पे अपना बेड क्राफ्ट ही नहीं करा, रुको बेड के आखिर रेसिपी क्या थी, रुको भाई रुको 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 शायद से ज़ॉम्बी वगैरह आने लगे क्या, एंड डन रुको बेड, अभी यार बेड है तो है क्या, हाँ रुको मुझे बेड की रेसिपी शायद से पता है। मैं सबसे पहले अपना क्राफ्टिंग टेबल इधर रखता हूँ और भाई इधर आ जा बढ़िया, चल तो खुल जा। यहाँ पे सबसे पहले मुझे उड़ लगाना पड़ेगा ऐसे करके, और भाई तू यहाँ पे लग जा, तू यहाँ पे लग जा, और सबसे पहले मुझे प्लान चाहिए ताकि मैं यहाँ पे लगा सकूं। और यहाँ पे ज़ॉम्बी भी आने लगे, यहाँ सामने स्केलेटन है क्योंकि मुझे पता ही है साले बहुत हरामी किस्म के बंदे हैं। खैर भाई आ जा यार भाई जल्दी जल्दी, एंड गाइस पानी के साथ मेरे यहाँ पे बैट बन के रेडी हो चुका। और हाँ भाई शायद से मुझे कोई जल्दी मारे ना, वरना तो भाई सही बता रहा हूँ यार क्या ही बताऊँ, मुझे डर लग रहा है कि आखिरकार कोई मुझे मारे ना। वैसे मेरा बैट कहाँ पे है भाई, रुको तो, एंड डन मेरा बैट यहाँ पे आ चुका है। चलो भाई मैं यहाँ पे सो जाता हूँ और बैड इज फार अब यार तू नाटक क्यों कर रहा है, सो जाओ यार। एंड फाइनली मेरा इसी के साथ पैलेटिक खत्म हो चुका। वैसे मैंने यहाँ पे कुछ खास काम करा नहीं सिवाय कुछ कुछ के, जो कि रुको यार ज़ॉम्बी तो नहीं ना, सबसे पहले मैं इन्हें दूर जाने देता हूँ ताकि मैं बाद में काम कर सकूँ। और वहाँ पे स्केलेटन मर रहा है और मैं इसे मारू क्या, ट्राई करूँ जाके जो होगी देखी जाएगी। खैर अगर मैं गया ना तो सही बता रहा हूँ काफी गंदे तरीके से मैं मरने वाला हूँ। वैसे देखो सामने ये रहा ज़ॉम्बी और ये स्केलेटन है और बेटा ये मुझे मारेगा मुझे पता है, तो बेटा एक बार बाहर निकल, मुझे पता है अगर तो बाहर निकलेगा ना तो सही बता रहा हूँ तू मारेगा। अरे भाई कहाँ जाओगे यार, ये ले भाई पटका पटका, अरे रुको 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 रुको
रुको रुको, तुझे मरना है। अरे यार ये क्या है नीचे, रुको तो मैं नीचे कैसे जा सकता हूँ भाई, मैं नीचे जाऊँ तो जाऊँ कैसे, सो पहले बताओ। खैर हाँ यार मुझे पता है यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा सामान मिला था जो कि साइंस से एरो है ना, मुझे जहाँ तक लग रहा है। चलो भैया जो रहेगी बाद में देखी जाएगी, वैसे मुझे किसी ने मारा यहाँ पे नीचे, चलो हटाओ यार बाद में देखी जाएगी। वैसे मैं सबसे पहले अपना बोरी बिस्तर यहाँ से तोड़ता हूँ ताकि मैं हल्के फुल्के माइनिंग में जा सकूँ और उधर से मैं कुछ कुछ सामान को इकट्ठा कर सकूँ, क्योंकि यहाँ अगर मैं यहाँ पे सामान इकट्ठा नहीं किया तो मैं स्टोन पर कुछ भी सामान नहीं बना पाऊंगा। तो चलो साइंस से सबसे पहले मुझे खाने का भी इंतजाम करना पड़ेगा। ख्याल मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ कुछ खाने का भी इंतजाम कर लेता हूँ, और ये रहा रैबिट, और मैं इसे मारूंगा नहीं क्योंकि इससे मुझे जहाँ तक लग रहा है ज्यादा मीट वगैरह नहीं मिलने वाले, और इधर का बेस्ट बायोम तो मैं इधर ही एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और सामने क्या देखो यार, मुझे लगा यहाँ पे बहुत ही बड़ा माइन एरिया है, तो चलो मैं यहाँ से जाके एक्सप्लोर करता हूँ। साहब साहब मुझे पता ना, क्या हम कच्चे मीट खाते तो मेरा जल्दी जल्दी हेल्थ नहीं बढ़ता है, मुझे ये वाली बात आप क्लियर कर दो बस खाली। खैर यहाँ से मुझे देखना आखिरकार यहाँ पे कोई माइनिंग वाला एरिया है या फिर नहीं, या फिर मुझे खुद ही क्रिएट करने पड़ेंगे। वैसे सामने दिख रहा है, चलो मैं यहाँ देखता हूँ। और भाई यहाँ पे साहब से है, अरे भाई साहब फाइनली यहाँ पे है, लेकिन मुझे डर लग रहा है यहाँ पे जाने के लिए। एंड देखो यार भाई ये फाइनली क्या डायमंड है ना, मुझे जहाँ तक लग रहा है, चलो मैं तोड़ के देखता हूँ। साहब से डायमंड ही मुझे लग रहा है, रुको तो रुको 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 रुको, मैंने पिकेक्स तो बनाया था साहब से मुझे जहाँ तक याद है, चलो मैं देख ही लेता हूँ आखिरकार। हाँ भाई पिकेक्स तो मैंने बना रखा है, डन डन डन, पिकेक्स मेरे हाथ में। और वैसे ये क्या है मुझे देखना है, डायमंड होगी तो भैया मैं एक भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, मुझे जहाँ तक लग रहा है। चलो टूट जाए, अरे यार ये साइज से टूटी थी मुझे जहाँ तक लग रहा है। अरे यार टूट ना भाई, इतना नाटक क्यों कर रहे हो यार, चल टूट जाए एक बार, चलो चलो यार इसी से टूटो 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 टूटो। ओहो भाई ये क्या हुआ, मुझे साइज से कुछ भी नहीं मिला। चलो हटाओ यार मैं यहाँ से नीचे जाता हूँ, और मुझे यहाँ पे एक्सप्लोर करना। वैसे यहाँ पे कुछ जॉम्बी वगैरह ना रहे ना तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरे हाथ में लाइट वगैरह भी नहीं है और मेरे को परफेक्ट लोकेशन नहीं जानता कि कहाँ पे मुझे क्या क्या मिल सकती है। वैसे इधर बैठे तो जॉम्बी नहीं रही, मैं बता दे रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, बड़े गंदे तरीके से मैं मारूंगा तुझे। खैर शॉट वगैरह कहाँ है मेरे हाथ में आ जा। एंड ओ भाई यहाँ पे, अरे भाई साहब यहाँ पे जॉम्बी का प्रसाद है, जॉम्बी का प्रसाद है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। खैर साहब से कोई पीछा कर रहा है क्या, आजा 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 कोई तो आजा भाई, यहाँ पे जॉम्बी तो है मुझे जहाँ तक लग रहा है। हाँ देखो यार जॉम्बी यहाँ खतरनाक नेक्स्ट लेवल वाले हैं। चलो एक स्पाइडर आ रहा है और ऐसे ही मुझे मारना चाह रहा है, चलो मैं देख लेता हूँ आखिर से ये क्या मुझे मारना चाह रहा है क्या। ना 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 ये मुझे कुछ नहीं कर रहे हैं। खैर मैं इधर से आगे निकलता हूँ। ओ भाई सामने जॉम्बी है यार, ये जॉम्बी नहीं स्पाइडर है ना, मुझे जहाँ तक लग रहा है। खैर यहाँ से मैं निकलता हूँ। और यार मैं ऐसे फंस चुका हूँ क्या, आज बेटे आ जाइए एक बार तू इधर आ जा 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 जा। अरे 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 दादा, 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 चल 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 चल। और ये क्या मुझे मिली है, अरे यार ये है तो है क्या, मुझे नहीं पता चल रहा है। खैर चलो मैं यहाँ से सबसे पहले स्टोन का इकट्ठा कर लेता हूँ, और मेरा आखिरकार इसे क्या बोलते हैं पिकेक्स ना, पिकेक्स से आ जा भाई हाथ में। और मुझे यहाँ पे साथ ही साथ में कोल का भी इंतजाम करना पड़ेगा ताकि मैं अपने खाने को पका कर खा सकूँ, वरना अगर मैंने खाने को पकाया नहीं ना तो भैया उतना हेल्थ नहीं बढ़ता, जिसके कारण यार मजा नहीं लगता, बार बार खाना खाओ और दिक्कत होती। सो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले अपना हेल्थ का इंतजाम कर लूँ और यहाँ पे कोल का भी इंतजाम करूँ ताकि मेरा खाना पक सके। गाइज 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 यार यहाँ पे मैंने काफी ज्यादा माइन वगैरह कर रहा, माइन तो नहीं मैं सीधे सीधे स्टोन तोड़ रहा था, वैसे यहाँ पे मुझे ये वाली मिली। और ये क्या है मैं देखता हूँ, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये आयरन है, और मुझे नहीं पता ये मुझे मिलने वाली है या फिर नहीं, क्योंकि देखो मैं वुडन से तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और भाई देखो यार बर्बाद हो गया, खैर क्या ही कर सकता हूँ, बर्बाद होगी तो हो गई। चलो मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और सबसे पहले अपने लिए एक फर्नेस बनाता हूँ, और फर्नेस बनाने का वैसे कोई फायदा तो है नहीं। खैर फायदा कैसे नहीं, मेरे पास प्लैंक है तो मैं साइज अपना काम कर सकता हूँ। वैसे यहाँ पे मेरे लिए लग रहा है परफेक्ट एरिया, तो मैं यहीं पे अपना बेस बनाने की ट्राई करता हूँ। तो सबसे पहले मेरा क्राफ्टिंग टेबल कहाँ पे पड़े, आजा क्राफ्टिंग। ओ भाई कहाँ पे हो, अरे यार रुको तो सही कहाँ पे है आखिरकार, ये रहा देखो यार, देखो बदमाश कहीं का। चलो ये यहाँ पे आ जा, वो मेरा पीछे चला जा। खैर बैठ भी तू इधर आ जा, और भाई मेरा कॉबल स्टोन इसे कहता है ना, चलो ये भी यहाँ पे आ जा, वो तो इधर निकल जा। वो कस ऐसे भी मुझे जहाँ तक लग रहा है कोई यूज नहीं है मेरे लिए। चलो सबसे पहले मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पे लगाता हूँ, और बैड मैं अपना यहाँ पे लगा देता हूँ। बैड गई कहाँ, हाँ गई फाइनली। ओ रे यार ढंग से लग जा भाई, ढंग से किसी चीज का मैनर होता है। चलो बाहर आ जा बेटे, अरे भाई परफेक्ट हो गया, परफेक्ट। तो हाँ ये मेरा स्पॉन एरिया सेट हो गया, वैसे रुको अभी भी ढंग से नहीं है। अरे भाई यहाँ पे कोई जॉम्बी का साउंड आ रहा है, मुझे जहाँ तक लग रहा है नीचे कोई जॉम्बी कंफर्म है, यहाँ पे जॉम्बी मुझे जहाँ तक लग रहा है। खैर चलो जॉम्बी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पे खोलता हूँ, और कहाँ गए पे, आ जा भाई आ जा। सबसे पहले मैं फर्नेस बनाने की कोशिश करता हूँ, और फर्नेस की रेसिपी साइज ईजी मुझे जहाँ तक लग रहा है। एंड डन भाई, इसी के साथ मेरे यहाँ पे फर्नेस रेडी हो चुका है। चलो मैं इसे यहाँ पे लेता हूँ और खाना पकाता हूँ। वैसे खाना पकाऊँ क्यों, मेरे पास वाला खाना ही नहीं। तो चलो मैं सबसे पहले यहाँ पे फर्नेस वैसे सेट कर देता हूँ ताकि मैं खाना का इंतजाम कर सकूँ। वैसे ये रही मेरी फर्नेस, एंड यहाँ पे लग चुकी। चलो आपको मारूंगा क्योंकि देखो कोई चारा है नहीं मेरे पास, ये कुछ कुछ आपको मारने का। चलो यार भाई आ जा आ जा। एंड ये देखो यार दो ही शॉट में खत्म भाई, ये कहते हैं पावर पावर पावर। और हाँ मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कुछ कुछ और स्टिक में बना लूँ, ताकि मैं सोच रहा हूँ सारे अपने जो टूल्स है ना उसे स्टोन का बना दो। तो खैर चलो मैं सबसे पहले अपना इंचेंटिंग टेबल खोलता हूँ, और कहाँ गई,
आजा भाई, आजा आजा। सबसे पहले तू यहाँ पे इसे स्टिक में कन्वर्ट कर दे भाई, जितना हो सके तो कन्वर्ट कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड देन यार मैंने यहाँ पे इसी के साथ यहाँ पे काफी सारे प्लांट्स यानी कि जो कहते हैं ना स्टिक, मैंने कन्वर्ट कर लिए। चलो अच्छी बात है। खैर यहाँ पे मुझे अब सिर्फ और सिर्फ लकड़ी का इंतजाम करना है, जो कि दिक्कत नहीं। तो चलो गाइस मुझे 5 मिनट तो मैं सीधा सीधे यहाँ पे लकड़ी इकट्ठा करता हूँ एंड आपसे मिलता हूँ। ऑलराइट यार, यहाँ पे रात भी होने वाला है और मैंने यहाँ पे काफी सारे लकड़ी इकट्ठा कर रही। तो चलो मैं सबसे पहले यहाँ पे सोता हूँ ताकि मैं मॉर्निंग होते होते यहाँ पे अपना काम कर सकूँ। और मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में माइनिंग में निकल जाऊँ सारे सामान को अपने रख के, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे कोई जॉम्बी तो नहीं है भाई? मुझे यही डर रहा था कि जॉम्बी ना आ जाए सामने से, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा जॉम्बी का साउंड आ रहा है ना, तो मुझे डर भी लग रहा है कि भैया अचानक से प्रकट होकर मेरे को मार रहे थे। कोई दिक्कत वाली बात है? मैं सबसे पहले सोच रहा हूँ ना यहाँ पे सारे टूल्स को अपने स्टोन में कन्वर्ट करता हूँ। हाँ यहाँ पे मेरे पास ओकलॉक काफी सारे हो चुके हैं, मैं सारे को यहाँ पे प्लैंक में कन्वर्ट करता हूँ और मुझे लग रहा काफी सारा हो जाएगा। चलो मैं देखता हूँ आखिर कितने सारे होती है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, सब यहाँ पे 64 हो चुका है और भी ऐसे मुझे लग रहा हो जाएगा। चलो मैं देखता हूँ। एंड डन यार, यहाँ पे भाई 56 और हो चुके हैं। और गाइस कसम से भाई खतरनाक लेवल का हो चुका है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं सबसे पहले यहाँ पे अपने एन्चेंटेड टेबल को खोलता हूँ और हाँ सारे को आखिरकार मैं स्टोन में कन्वर्ट करता हूँ। और भाई स्टोन की टूल्स कहाँ पे गई? हाँ सबसे पहले मैं इसे यहाँ पे बना लेता हूँ। वुडन नहीं भाई, ये क्या है? वुडन नहीं चाहिए मुझे यार, कोई स्टोन की चाहिए। और स्टोन आखिरकार है तो है, कहाँ रहे यार हटना भाई। चलो स्टोन के एक्स मिल रहा है एंड हम इसे यहाँ पे बना लेता हूँ। एंड देन चलो भाई ये आ गई मेरे हाथ में, पिकैक्स भी बन जा रहा है, तो चलो मैं इसे भी लगे हाथ बना ही लेता हूँ। और भाई यार तू भी बन जा, चलो ठीक है। और इसमें शायद से शॉर्ट बनेगी क्या, मैं देखता हूँ। और ये क्या, स्टोन शॉर्ट, चलो इसे भी मैं बना लेता हूँ लगे हाथ। एंड देन ये भी बन चुकी है। मेरा यहाँ पे सारा काम कम्प्लीट हो चुका है। चलो मैं सबसे पहले लगे हाथ यहाँ पे एक चेस्ट बना लेता हूँ ताकि मैं सारे सामान को वहाँ पे सेव कर सकूँ, क्योंकि यहाँ अगर मैं एक्सप्लोर करने के लिए गया और बाय चांस में मर गया तो भैया मेरा सारा सामान बर्बाद हो सकता है। तो चलो मैं सारे को यहाँ पे चेस्ट में रख देता हूँ। वैसे चेस्ट की रेसिपी क्या थी भाई, मुझे रुको देखना पड़ेगा। रुको तो भाई क्या थी यार, रुको तो मुझे डर लग रहा है कि मैं सही बना पा रहा हूँ या फिर नहीं। ये तो क्राफ्टिंग हो गई। रुको 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 रुको, शायद से क्या मैं चारों तरफ कन्वर्ट कर दूं ताकि मेरा बन सके। मैं देखता हूँ, अगर हो जाएगी तो अच्छी बात है। एंड देन गाइस फाइनली इसी के साथ मेरे चेस्ट की रेसिपी आ चुका है, क्योंकि यार मुझे पता नहीं था पढ़ा। चलो धीरे धीरे भाई गेम में अगर आप एंटर करोगे ना तो यार आपको कुछ देर में सारा चीज पता चल जाएगा। तो हाँ चलो मैंने यहाँ पे दो दो चेस्ट बना लिए। खैर यहाँ पे मैं अपने चेस्ट को भी लगाता हूँ लगे हाथ। रुको 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 रुको, अरे यार इससे तो फेंका जाता ना, मुझे फेंकना थोड़ी ना। खैर कहाँ गई मेरी चेस्ट? अरे भाई चेस्ट गई तो गई कहाँ। रुको 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 यार, ये कहाँ, चल निकल बेटा, तू भी निकल जा, क्योंकि हाँ मुझे पता है मैं जैसे जगह जा रहा हूँ ना मैं मरने वाला हूँ। सो चलो सारे सामान को मैं यहाँ पे सेव करके रखता हूँ। और भाई चेस्ट कहाँ गई? चलो यार गाइस फाइनली सिक्स सर मुझे यहाँ पे एक और चेस्ट मिल चुका है। और इस वाले चेस्ट को मैं रुको सीरियली वाई रखता हूँ, एक यहाँ लगा देता हूँ एंड दूसरे को यहाँ लगा देता हूँ, जो कि कंबाइंड होकर एक बड़ा चेस्ट हो जाएगा। चलो मैं इसे ओपन करता हूँ, जो कि मेरा जो जो काम करने में यहाँ पे रखता हूँ। और बेटा तू भी चल लग जा। और ये क्या स्टोन का ना, वुडन का, चलो वुडन का भी रख लेते, क्योंकि अगर मेरा स्टोन का टूट गया तो फिर बाद में काम दे सकती है। खैर चलो तू रहेगा, क्योंकि यहाँ अगर मैं बाय चांस कहीं फंस गया ना तो ये चढ़ने वगैरह में काम दे देगा। और ये वाले क्या है, स्ट्रिंग, इसका क्या यूज है मुझे नहीं पता। और ये फर्नेस का साइज से यूज नहीं है मेरे पास। चलो बेटा तू भी निकल जा। और ये रखूंगा स्टिक भी रखूंगा। एंड डन, मैंने यहाँ पे सारा सामान अपना स्टोर कर दिया। खैर चलो मैं यहाँ से निकलता हूँ और चलो रास्ते में ही मैं खाना का इंतजाम कर लूंगा। बस से रुको, मैं सबसे पहले अपना कोऑर्डिनेट ऑन कर लेता हूँ ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। कोऑर्डिनेट आखिरकार है तो है कहाँ? 100 कोऑर्डिनेट, रुक जा भाई, रुक जा। 100 कोऑर्डिनेट। एंड डन, देखो भाई कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया। देखता हूँ आखिरकार मेरा स्पॉन एरिया, ओ भाई सब 292, 64 एंड 69। चलो अगर मैं बाद में भूल जाऊंगा तो दिक्कत हो सकती है। 292 एंड 64 एंड 69। चलो गाइस मैंने अपना कोऑर्डिनेट लिख दिया। वैसे चलो मैं तोड़ देता हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर रात होगी तो मैं उधर ही सो जाऊंगा। खैर यहाँ से चलो मेरा मेन एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होता है। चलो मैं सीधे सीधे आपसे कोई एक माइन एरिया में मिलता हूँ और मैं वहाँ पे माइनिंग करने जाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मुझे माइंड मिल चुका है और मैं सीधे सीधे यहीं पे एक्सप्लोर पे निकलता हूँ। और रुको मैं खाना का सबसे पहले सोच रहा हूँ ना इंतजाम कर लो, क्योंकि यहाँ पे खाना का काफी ज्यादा घपला हो रहा है मेरे पास। घपला नहीं लेकिन शॉर्टेज हो चुका है बहुत ही ज्यादा। तो हाँ चलो मैं सीधे सीधे यहाँ से बाहर निकलता हूँ और सबसे पहले खाना का इंतजाम करता हूँ। वैसे मैंने यहाँ पे खाना पका तो नहीं रखा, लेकिन चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खैर अगर पकाने का मन करेगा तो मैं फर्नेस वगैरह उधर ही सेट कर दूंगा। और रुको भाई, और यार यहाँ पे लावा है तो मैं मारा जाऊंगा और मैं मरना नहीं चाह रहा हूँ। और भाई इधर काफी सारा माइन एरिया है। चलो भाई अच्छी बात है कि मेरे आसपास माइन एरिया है और यहाँ पे मैं एक्सप्लोर के लिए जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। ओ भाई साहब सामने यहाँ पे एक टर्टल मुझे मिल जाएगा, तो क्या मैं इसे मारूं? चलो यार मार देता हूँ लगे यार, भाई जो होगी देखी जाएगी। अरे यार ये क्या हो रहा है बेटा, तू मर जा। खैर चलो हटाओ, ये नीचे चला गया, मैं इसे अभी नहीं मारने वाला हूँ। हाँ लेकिन मारूंगा अभी नहीं। खैर मारूंगा तो जरूर भाई, जो बोलो यार। मैं इधर से यहाँ से निकलता हूँ और देखता हूँ कोई परफेक्ट से माइन एरिया ताकि मैं वहाँ पे माइन में निकल सकूँ। और यहाँ पे रात भी होने वाली है। वैसे भाई मैं इधर एक्सप्लोर कर रहा था, सच्ची बता रही कसम से भाई, मैं एक्सप्लोर कर रहा था और मेरे को यहाँ पे एक विलेज मिल चुका है। लेकिन मैं विलेज को भी एक्सप्लोर नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैं इसका कोऑर्डिनेट देख लेता हूँ, जो
कि बाद में काम आ सकते हैं। खैर मैं इस वाले विलेज को अभी एक्सप्लोर नहीं करने वाला हूँ, और आप मुझे बताना क्या मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में विलेज को एक्सप्लोर करूँ या फिर कोई दूसरा काम करूँ। सो यार गाइस फाइनली मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में इसे एक्सप्लोर करूँगा, और आप मुझे बताना मैं अपना सर्वाइवल बेस इसके सामने बनाऊँ या फिर जो मैंने कोऑर्डिनेट लिख रखा था उसके सामने बनाऊँ। खैर मुझे कमेंट बताना क्या कहकर मुझे अपना बेस कहाँ बनाना चाहिए, और मैं भी विलेज को एक्सप्लोर नहीं करने वाला हूँ, तो आने वाले वीडियो में मैं उसे एक्सप्लोर कर लूँ। खैर खैर मैं आज के वाले वीडियो को यहीं रखता हूँ, और मुझे बता देना क्या क्या मैंने मिस्टेक करा, उसे मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। सो फाइनली मैं आज के वाले वीडियो को यहीं रखता हूँ। मैं अगर आपको वीडियो पसंद है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे अगर नए हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना, क्योंकि हम 400 सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। और मुझे बताना क्या मैं इसका पार्ट 2 लाऊं, खैर आपके कमेंट पे डिपेंड करना, अगर आप कमेंट कर तो खैर मैं नेक्स्ट वाले वीडियो काफी जल्दी रहूँ। सो आगे फाइनली मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।